नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। और एक बड़ी खबर के साथ मैं आई हूं आपके बीच। सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से भाजपा सांसद और गुज्जर नेता सुखबीर सिंह जुनापुरिया ने राजस्थान में सियासी महासंग्राम पर कहा कि यह सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच कांग्रेस की घर की लड़ाई है, वे खुद निपटे और सचिन पायलट ने जो कदम उठाकर भड़ा लिया है, अगर वे वापस पीछे हटते हैं तो देश के 10 करोड़ गुज्जरों का अपमान होगा। गुज्जर नेता और सांसद सुखबीर सिंह जुनापुरिया आज एक दिवसीय प्रवास पर बोले। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार भाजपा पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार गिराने का आरोप लगा रहे हैं, यह बिल्कुल निराधार है। न भाजपा की और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावना है कि किसी भी सरकार को गिराया जाए। जो सरकार चुनकर आई है वह अपना कार्यकाल पूरा करे, और भाजपा के पास राजस्थान में बहुमत नहीं है तो हम सरकार नहीं बनाएंगे। राजस्थान से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की चल रही खींचतानी वे लड़ाई कांग्रेस की आपसी घर की लड़ाई है, वह खुद निपटे भाजपा के सिर पर मड़े। सांसद सुखबीर सिंह चुनापुरिया ने कहा कि सचिन पायलट ने जो कदम उठाया है उससे उनको अब पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर वे वापस कांग्रेस में लौटते हैं तो उनको वह सम्मान नहीं मिलेगा। कांग्रेस ने सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया, पोस्टर हटा दिया तथा सचिन पायलट के लिए बहुत अनुग्रह सार्वजनिक तौर से बोला है। ऐसे में सचिन पायलट को अब अपने बड़े हुए कदम पीछे नहीं हटाने चाहिए। अगर वे पीछे होते हैं और कांग्रेस में लौटते हैं तो यह देश के 10 करोड़ गुज्जर का अपमान होगा। उन्होंने कहा कि सचिन यह कदम जब प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई तब यह कदम उठाते तो मुख्यमंत्री आज वह होते। सांसद सुखबीर सिंह जुनापुरिया ने कहा कि सचिन पायलट को अब बाहर आकर बोलना चाहिए, यही उनके राजनीतिक भविष्य में अच्छा होगा। एक सवाल के जवाब में जुनापुरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीतिक के चतुर खिलाड़ी हैं और जो उनकी राह में आया उसे वह निकाल लेते हैं। प्रदेश के वर्तमान हालत पर कहा कि प्रदेशवासी कोरोना महामारी में खौफजदा हैं और सरकार के मंत्री व विधायक होटलों में मस्त हो रहे हैं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज़ और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।